तो ये है सतीश, यानी मैं। मैं भी बाकियों की तरह अपनी आम जिंदगी को एक खास जिंदगी बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए शायद मुझे मेंटोर्स की जरूरत है। जो मेरी हार्ड वर्किंग लाइफ को स्मार्ट वर्किंग लाइफ में बदल सके। मैंने अपने 4 साल के करियर में बहुत सारे शूट किए, म्यूजिक वीडियोस, वेडिंग शूट्स एंड डॉक्यूमेंट्री, और अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन भाई साहब, मुझ पर एक नया भूत सवार है, ब्लॉगिंग का। मतलब हम कुछ खरीदेंगे तो है नहीं, बस आपको दिखाते हैं मार्केट में। वैसे मैंने 8 से 9 ब्लॉग बना लिए, बट उसमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। उम्मीद है आप मेरे इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार देंगे। मेरे इस ब्लॉगिंग के सफ़र में मेरे साथ कोई और भी है, तो इनसे मिलिए। यह है मंजू, मेरी क्राइम पार्टनर, सही मायने में द फाउंडर ऑफ हिल मिचल। वो कहते हैं ना, हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ओके ओके ओके, चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। सारी अब बाहर ही निकल रही है। लूना, आज जो ब्लॉग हम करने वाले हैं वो है कुल्लू शहर। तो गाइज, हम आपको आज कुल्लू दिखाएंगे, कुल्लू में क्या क्या होता है और क्या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलते हैं कुल्लू कॉलेज, जहाँ हमारे साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स की कुछ यादें जुड़ी हुई है। तो ये है कुल्लू कॉलेज, जहाँ हर साल हजारों में बच्चे अपने अपने सपनों को लेकर आते हैं, और इस उम्मीद को लेकर वो अपनी ज़िंदगी के 3 साल कब गुजारते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। तो फाइनली गाइस, हम एंटर हो रहे हैं अपने कॉलेज में 3 साल बाद। तो मतलब आज थोड़ा अनकॉन्शियस फील कर रहा हूँ, बिकॉज 3 साल बाद हम आ रहे हैं, तो हम डिग्री हम 3 साल बाद आ रहे हैं, तो थोड़ा शाय फील कर रहे हैं। और अभी जाते हैं, डिग्री लेते हैं, और ये तो शर्माती रहेगी। मैं थोड़ा शर्माने में कम शर्माता हूँ। तो फिर बाकी आपको दिखाते हैं कॉलेज का माहौल कैसा चल रहा है। तो यार, नेक्स्ट पीरियड पता नहीं कैसा होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा उसको। अंकुर यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और देखिए ये दरवाज़ा देख रहा है मैं कैसे अंदर जाऊँ, क्योंकि ये शर्मा रहा है, हमारे बिना नहीं ये जा सकता। तो यार, अंदर टीचर बैठे हुए हैं, थोड़ा शर्म आ रही है, कैसे जाए अंदर। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। हाँ जी, बढ़िया, आप बताओ। निश्चल सर, हेलो सर, हमारे भूल गया सर। इस बार क्या YouTube में भी आएंगे हम भी? हाँ जी, हाँ जी, आप भी आएंगे। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, आप बताओ। चरण बंदे। और बिजनेसमैन क्या हाल चाल है तेरे? बिजनेसमैन नहीं हूँ मैं। कैसे? क्या जरूरत है? बिजनेस चला है, ठीक ही, बढ़िया चला है। और सुना, शादी कब करना तू? मतलब आप देखते हो हमारे ब्लॉग्स? मतलब आप हमारे ब्लॉग्स देखते हो? मैं इसको यही कह रही थी अभी कि मैंने इसको फॉलो कर, इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज, तभी तो बोल रहे हो मैं शादी कब करूंगी। इनविटेशन दो, मैं पीछे डिपार्टमेंट को आना पड़ेगा, खुद आ जाएंगे, उसमें पता तो चल जाएगा कब होगी शादी। हम ब्लॉग्स को फॉलो करते वाले लोग एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं। तो यार, मेरे साथ ना एक गाइस बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मंजू मेरा बहुत मजाक उड़ा रही है। वो मतलब इस बंदे को अपना रोल नंबर याद नहीं है। तो गाइस, पता क्या हुआ, मतलब BCA ग्रुप में मैसेज किया हुआ था रोल नंबर के साथ, बट मुझे रोल नंबर अपना पता नहीं था कि उन्होंने मैसेज में रोल नंबर ड्रॉप किए थे और कहा था कि उनकी डिग्री आई हुई है, बट मुझे अपने गलत रोल नंबर की वजह से मैं 3 साल बाद, गलत रोल नंबर नहीं, मुझे रोल नंबर पता नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस, मंजू शर्मा आ रही है, हम यहाँ से ऊपर चल रहे थे और ये यहाँ पर बीच में रुक गई, क्योंकि इससे ऊपर ये जा नहीं रही है।
क्योंकि इसको शर्म आ रही है ब्लॉग करने में, तो ये बोल रही है मैं नीचे बैठ जाऊंगी कहीं तो ब्लॉग करके आ जा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं साइंस ब्लॉग में। वैसे हम साइंस के स्टूडेंट तो थे नहीं, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी पास आउट है साइंस स्टूडेंट्स। तो हम आपको साइंस ब्लॉग दिखाएंगे क्या सा दिखता है, क्या चेंजेस है। और मुझे पूरी तरह से शर्मा रही है ये पूरी तरह से शर्मा रही है। और देख सकते हैं अब ये साइंस ब्लॉग है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर साइंस ब्लॉग के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, क्लासेस लगी हुई है देखिए। तो गाइस ये है साइंस ब्लॉग। हम आइए हम आपको साइंस ब्लॉग दिखाते हैं। आइए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट मैं एक्सपेरिमेंट से बहुत डरता हूँ इसलिए हम साइंस ब्लॉग में नहीं जाएंगे। ये है बीबीए डिपार्टमेंट और एक बहुत सुंदर लग रहा है। जो सुंदर डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है ये बीबीए डिपार्टमेंट है जो मेरा है। अपनी मेमोरीज बता यहाँ पे कहाँ कहाँ थी। तो यहाँ सबसे पहले हम बेंचेस में बैठते थे जो भी यहाँ नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं, धूप सेकने के लिए। और यहाँ नीचे जो है हम कभी टीपू खेल लेते थे, अगर आपको पता होगा क्या होता है। तो और यहाँ पर हमारा एक सब्सक्राइबर आया है, देखिए हमारे यहाँ पे एक सब्सक्राइबर आया है। तो कैसा है? तो यहाँ पर मुझे अपने टीचरों से मिली हुई है, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। जो आज मैंने अपना हॉस्टल देखा है, कलर सब कुछ चेंज हो चुका है और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब ये सब जो हॉस्टल में रहता है ना, वो लोग मेरे एक्साइटमेंट को समझ सकते हो। और सतीश तुम्हारा आनंद नॉट अलाउड यहाँ सीधे लिखा है, बॉयज आर नॉट अलाउड। तो मैं लड़की बन के आ रहा हूँ। मैं जाती हूँ आंटी भाई, मतलब आंटी यार मुझे बताने। थोड़ा थोड़ा दिखा पा रहे हैं हम आपको कैसा है हमारा कॉलेज, क्या चेंजेस है, क्या इतना ही है, बाकी न्यू बिल्डिंग्स है जो हम अभी दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है ना, ये हमारा कॉलेज नहीं लग रहा है। बहुत सारे चेंजेस है हमारे पीछे देख सकते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट ये भी चेंज हुआ है, चेंज नहीं हुआ मतलब नया बना है। तो पूरा कॉलेज घूम लिया मतलब आधा आधा। हम हर जगह नहीं जा सकते हैं, लाइब्रेरी में भी हम ऐसे घुसे और ऐसे निकले, और बाकी जगह क्लासेस लगे हैं, साइंस ब्लॉक में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, हमें अलाउड नहीं आना अंदर। बीसीए डिपार्टमेंट में हमने आपको टीचर से मिलवा लिया, और मंजू ने बीबीए डिपार्टमेंट में हमने टीचर से मिला लिया, और अभी हम लड़कियाँ चले। जो इसने कॉलेज टाइम ही नहीं किया वही अब करेगा। हाँ चलो, गर्मी बहुत होती है, मुझे ना सच में एक बार अपने कॉलेज लाइफ का पहला दिन, सॉरी मतलब कॉलेज लाइफ का एक दिन जीना है। मुझे वही दोस्त चाहिए। जा क्लास लगाने जा, ही मजा था। जा क्लास लगा, सच में बहुत मतलब ऐसा लगेगा मुझे सब कुछ मिल गया। तो यहाँ पर हमारी सब्सक्राइबर मिली है, देखिए आपका नाम सुजाता और आपका नाम। तो ऐसे ही हम भी यहाँ पर बैठे हुए होते थे अपने कॉलेज टाइम में, बट ये दो है, हम पूरी क्लास बैठी हुई थी हम यहाँ पर। और फिर आपको किसी से मिलना है, आइए चलो। आपसे मिलना चाहते, फैन है आपके। छात्र इतनी गर्मी में छात्र आए गलत हो गया। तो भाई का नाम वैसे बताया नहीं आ रहा। मेरा नाम ईशान है, ईशान है, साइंस से हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर का हूँ मैं यहाँ पे। बीए। अच्छा ठीक है। तो आज मेरे को पहली बार मिला यहाँ पे ब्लॉगर, पहली बार ही मिलेंगे। पहली इसके बाद कोई देखेंगे आज कैसे, इसके बाद कोई आपको देखेगा ब्लॉग करते हुए। हाँ, मेरे को भी देख सकते हैं आप। हाँ, अभी तो नहीं देखते, बाद में। तो ऐसे ही हम भी अपनी कुछ उम्मीदों को लेकर यहाँ आए थे। हमारे सपने पूरे तो नहीं हुए, लेकिन यहाँ से हमने जिंदगी के बहुत से पहलू सीखे। वो कहते हैं ना, देर इज नो नॉलेज विदाउट कॉलेज।